वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लास प्लस वन चैप्टर फोर। बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स में कल मारे हैं, आपको पता है बेटा, जब दो भी कोई एटम है, वो दो एटम एक दूसरे से एक बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं, और उस बॉन्ड के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। द फर्स्ट वन इज़ द बॉन्ड लेंथ, सेकेंड वन इज़ द बॉन्ड एनर्जी, थर्ड वन इज़ द बॉन्ड एंगल, एंड द फोर्थ वन इज़ द बॉन्ड ऑर्डर, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बॉन्ड लेंथ। एज द नेम इंडिकेट बेटा, बॉन्ड लेंथ, इट इज़ द लेंथ ऑफ अ बॉन्ड, मीन्स कि बॉन्ड की कितनी लंबाई है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। जैसे हमारे पास कोई भी दो बॉन्डेड एटम है, मैंने कहा दिस इज अ एटम ए एंड दिस इज अ एटम बी, अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गई है, तो इसका जो रेडियस है, दिस रेडियस इज कॉल्ड अ आर ए एंड दिस रेडियस इज कॉल्ड अ आर बी। तो द डिस्टेंस बिटवीन, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मतलब कि जितना ए एटम का रेडियस है उतना ही बी का रेडियस है, तो इक्वल डिस्टेंस हुआ न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का, दोनों में एक एक शेल मैंने ड्रॉ करा है। बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द टू बॉन्डेड एटम, कि दो बॉन्डेड एटम के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जिस पॉइंट पे वो दोनों जुड़ रहे हैं वहाँ तक का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, इस कंप्लीट डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड लेंथ, जिसको मैंने डी से रिप्रेजेंट करा है। तो बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड अ बॉन्ड लेंथ। और आपको पता है बॉन्ड लेंथ का यूनिट क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर पिकोमीटर, आप मीटर और सेंटीमीटर भी ले सकते हो, बॉन्ड लेंथ कैन बी इन अ मीटर, सेंटीमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग और इन अ पिकोमीटर। वन आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10^-10 मीटर, न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होगा। वन पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि किस फैक्टर के इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या किस फैक्टर के डिक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। अब सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या है बेटा, साइज ऑफ द एटम। अगर हम एक एटम के साइज की बात करें तो जब साइज, देखो लेट्स सपोज, अगर मैं सिंपल कहती हूँ एक लिथियम है और एक सोडियम है, आपको पता है लिथियम का साइज कितना, एटॉमिक नंबर 3 है तो इसमें 2 शेल आ गए, जबकि सोडियम की बात करूँ तो इसमें आपके पास 3 शेल आ गए। तो अगर इसका साइज एटॉमिक नंबर 11 है, इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, साइज पे। कैसे डिपेंड करती है, ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतनी बड़ी क्या होगी, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड लेंथ। क्लियर है बेटा। अब इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, जैसे HI, HBr, HCl और HF, अगर आप इसमें देखो तो सब में हाइड्रोजन सेम है, क्या है डिफरेंस है, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन। अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो दीज आर द मेंबर ऑफ अ ग्रुप 17, और ग्रुप 17 में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा साइज जो बिग साइज है वो किसका है, आयोडीन का। अब आयोडीन का साइज बड़ा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी बेटा, मोर। तो इसी वजह से HI हैविंग अ मोर बॉन्ड लेंथ देन HBr, देन HCl, देन HF। HI की बॉन्ड लेंथ बड़ी है, क्यों बड़ी है, क्योंकि इसमें आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा। आपको मैंने अभी बताया जितना बड़ा साइज होगा एटम का उतनी बड़ी क्या होगी उसकी बॉन्ड लेंथ। ये था इसका फर्स्ट फैक्टर। अब सेकेंड फैक्टर क्या है इसका, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड का मतलब क्या है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ अ बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन अ टू बॉन्डेड एटम। और मल्टीप्लिसिटी आपको पता है कोई भी बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। अब अगर मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो अगर मैंने कहा ये एक सिंगल लेंथ है, एक सिंगल बॉन्ड है, अगर मैं इसको ही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करती हूँ, यानी कि एक एटम के ही हाइब्रिड डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, एक एटम के हाइब्रिड ने सिंगल बॉन्ड बनाया, एक एटम के हाइब्रिड ने डबल बॉन्ड बनाया, तो इसी को 2 में डिवाइड कर दो, अप्रॉक्सीमेटली इतना बन जाएगा। अब एक ही एटम के हाइब्रिड ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो अप्रॉक्सीमेटली इतना बन जाएगा। तो लेंथ किसकी हुई बेटा, ज़्यादा सिंगल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अ
हाइब्रिड ऑर्बिटल टेक प्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, विद इंक्रीज इन मल्टीप्लिसिटी, क्या कह सकते हैं, विद इंक्रीज इन मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मतलब जब सिंगल डबल और ट्रिपल, मीन्स मल्टीप्लिसिटी का मतलब जब ट्रिपल बॉन्ड होगा एंड शॉर्टर विल बी द बॉन्ड लेंथ, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर है, तभी इसमें कहा है कि सी सिंगल बॉन्ड, सी की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की उससे छोटी और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा कम है। तो विद इंक्रीज इन अ मल्टीप्लिसिटी आपको ये याद रखना है, उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब थर्ड फैक्टर देखो बेटा, इसका थर्ड फैक्टर इज द टाइप ऑफ अ हाइब्रिडाइजेशन। ये वर्ड पहले भी आया था बेटा, और इसी चैप्टर में आप एक दो टॉपिक के बाद हाइब्रिडाइजेशन की पूरी एक्सप्लेनेशन है, वहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो डबल बॉन्ड से जुड़ता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर हम कहें कि टोटल हमारे पास 100% हाइब्रिडाइजेशन है, 100% में से एक हिस्सा एस का और तीन हिस्से पी के निकाल दो, तो 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25% क्या आ जाएगा इसमें, एस करेक्टर। अब दो पी और एक एस है, 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 33.3% क्या है इसमें, एस करेक्टर। अब एक एस और एक पी हाइब्रिडाइजेशन है, एक एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और एक पी, तो इसमें एस परसेंट कितना हुआ, एस की 50% हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, ग्रेटर विल बी द एस करेक्टर, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी शॉर्ट, शॉर्टर विल बी द बॉन्ड लेंथ। अब sp3 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, अब sp3 में कितने परसेंट है एस करेक्टर, 25%, और sp2 में कितना है, 33%, sp में कितना है, 50%। तो मैंने लिखा है जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा, s करेक्टर किस में ज़्यादा है, sp में, उतनी ही कम उसकी क्या है, बॉन्ड लेंथ, bl इज द बॉन्ड लेंथ। ग्रेटर विल बी द s करेक्टर, जितना ज़्यादा s करेक्टर है उतनी छोटी उसकी बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर आप sp3 से समझना चाहो तो मैंने आपको बताया कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, sp2 जिसमें डबल होगा, sp जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो मल्टीप्लिसिटी में भी तो यही पॉइंट है ना, कि सिंगल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म में करोगे तो आपको sp3 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। तो इनको ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हो आप कि sp3 सिंगल बॉन्ड में होती है, sp2 डबल में होती है, और sp ट्रिपल बॉन्ड में होती है। मल्टीप्लिसिटी में सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है तो हाइब्रिडाइजेशन में भी किसकी ज़्यादा होगी, sp3 की ज़्यादा होगी। क्यों sp3 की ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें एस करेक्टर सबसे कम है, हाइब्रिडाइजेशन सबसे कम होगी। क्लियर है बेटा, इसको आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम सेकंड पैरामीटर करेंगे, दैट इज अ बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, सेकंड पैरामीटर इज द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से इसका मतलब क्लियर हो गया होगा आपको, बॉन्ड आपको पता है जो दो एटम को जोड़ के रखता है, डिसोसिएशन का मतलब तोड़ना। जब दो बॉन्डेड एटम के बीच में बॉन्ड है, लेट सपोज ए और बी के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ बॉन्ड, यानी कि एक मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। और जब ये टूटेगा एक मोल ऑफ बॉन्ड तो वो किस में सेपरेट हो जाएगा, अपने एटम में, ए सेपरेट हो जाएगा और बी भी क्या हो जाएगा, सेपरेट। जब बॉन्ड ही टूट गया तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेटा, किलो जूल पर मोल। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, H2O है, H2O को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, H2O में क्या होता है, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। लेट्स सपोज इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 502 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, और इसको तोड़ने के लिए आपको 427 किलो जूल पर मोल चाहिए एनर्जी। तो टोटल वाटर को, पूरे वाटर को, यानी कि दो बॉन्ड है
तो दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए, तो टोटल वाटर को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, दोनों को ऐड करो, टू से डिवाइड करो, तो 464 आ जाएगा। अगर किसी में लेट सपोज 3 है बेटा, लेट सपोज आपसे पूछते हैं कि PCl 5 है, इसमें तीन बॉन्ड आपको एक बॉन्ड की PCl, लेट सपोज PCl 3 है, पी के साथ तीन Cl जुड़े हुए हैं, इसकी एनर्जी आपको A दी है, इसकी B दी है, इसकी C दी है, कहा कि PCl को तोड़ने की एनर्जी बताओ, तो क्या करेंगे, A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे। रिजल्टेंट निकाल के हम किसी भी एक पूरे फॉर्मूले की एनर्जी निकाल सकते हैं कि उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। सबसे फर्स्ट फैक्टर कौन सा है बेटा जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करता है, फैक्टर इफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी, फर्स्ट वन इज द बॉन्ड लेंथ। अब देखो बॉन्ड लेंथ की बात देखो बेटा, अगर मैंने कहा कि ये एक बॉन्ड है इतना लंबा है, ठीक है, तो इसकी लेंथ बड़ी है ना, तो आप इसको आसानी से तोड़ सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ इस कैप की, इसकी लेंथ छोटी है इस मार्कर के कंपैरेटिवली, तो अगर मैं कहूँ इसको तोड़ो, आप तोड़ सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो किसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है बेटा, मार्कर के लिए कि कैप के लिए? कैप के लिए लगानी पड़ रही है ना, क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड छोटा है और उसकी ताकत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ में ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ, कि जितनी बड़ी बॉन्ड की लेंथ होगी उतनी लेस क्या होगी, लेस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ध्यान से देखना बेटा, बड़ी चीज आसानी से टूटती है, जिसकी लेंथ बड़ी होगी उसको तोड़ने में हमें कम मेहनत करनी पड़ती है, वो आसानी से टूट जाता है, तो उसमें हमें कैसी एनर्जी देनी पड़ी, कम। तो जिसको हम क्या बोल देते हैं, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सेकेंड फैक्टर है बेटा इसका, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड देखो, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल है, एक ट्रिपल है, आप खुद ही बताओ, बहुत सिंपल है। इसमें हम एक बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, इसमें हम दो बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, इसमें हम तीन बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो किसमें ज्यादा एनर्जी लगनी पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड वाले में? तो हम कह सकते हैं ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी, ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्यों? मल्टीप्लिसिटी में नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं, तो उतने ज्यादा बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि इसको तोड़ने के लिए हमें 10 किलो जूल चाहिए, तो दो को तोड़ने के लिए 20 किलो जूल चाहिए, तीन को तोड़ने के लिए हमें 30 किलो जूल एनर्जी चाहिए, तो मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज हुई, नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हुए, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है बेटा? थर्ड फैक्टर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर। अब नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है, देखो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन ट्रिपलबॉन्ड से जुड़ता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करें तो इसके ऊपर एक लोन पेयर आता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो इनके ऊपर दो लोन पेयर आते हैं, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो इसके ऊपर तीन लोन पेयर आते हैं। अब आपने वेस्पर थ्योरी करी है, वेस्पर थ्योरी में क्या होता है कि जितने ज़्यादा लोन पेयर हैं तो उतनी ज़्यादा रिपल्शन होगी, जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी तो रिपल्शन से चीज़ें दूर जाती हैं बेटा, जब रिपल्शन से चीज़ें दूर जा रही हैं तो उनके बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है, तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ लोन पेयर में ग्रेटर विल बी द लोन पेयर, जितने ज़्यादा लोन पेयर हैं उसमें रिपल्शन उतनी ज़्यादा होगी, रिपल्शन से चीज़ें दूर दूर जाएंगी और बॉन्ड वीक हो जाएगा और उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो किसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी, एन में, क्यों? क्योंकि इसमें रिपल्शन कम हो रही है और इसमें उससे थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी कम लगेगी, और सबसे कम किस में लगेगी, एफ में। तो हम कह सकते हैं ग्रेटर द लोन पेयर, ग्रेटर विल बी द रिपल्शन, एंड लेस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज द बॉन्ड एंगल। अब आपको पता है बॉन्ड एंगल क्या है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल है, द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ अ बॉन्ड। जैसे अगर मैं बात करूँ CH4 है, इसकी शेप क्या होगी, C सेंट्रल एटम है, आपने शेप्स बनाई है ना ऐसे,
कोई भी शेप के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल. तो क्या है, द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड अ बॉन्ड एंगल. तो आपने कुछ एग्जांपल याद रखने हैं, जैसे CH4 की कैसी शेप होती है, अगर आप बना के देखोगे वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, टेट्राहेड्रल. तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 degrees 28 minutes. ऐसी अमोनिया की शेप होती है पिरामिडल, NH3. इसमें एक लोन पेयर है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 degrees. वाटर की कौन सी शेप होती है, बेंट शेप होती है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 degrees, या फिर आप 104 degrees 5 minutes बोल सकते हो. BF3 की कैसी शेप होती है बेटा, ट्रायंगल प्लेनर, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 degrees. क्लियर है, बहुत ही सिंपल है. बॉन्ड एंगल क्या है, दो लाइन जो जुड़ रही है उनके बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल. आपने इनके एग्जाम्पल लर्न करने हैं. नेक्स्ट इज द फोर्थ पैरामीटर इज द बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर क्या है, द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम, कि दो बॉन्डेड एटम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर. बहुत ही सिंपल टर्म है, जैसे एक एच दूसरे एच से कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक से, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1. एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, नजर आ रहा है बेटा, 2. तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज 2. एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3. एक कार्बन दूसरे ऑक्सीजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3. और बॉन्ड ऑर्डर कभी भी क्या है, आपको पता है, ट्रिपल इज द मैक्सिमम, 3 इज द मैक्सिमम, या फिर जितने दो बॉन्डेड एटम के बीच में बॉन्ड आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर. नेक्स्ट देखो बेटा, आपके पास दो टर्म है, आपने इनको ध्यान से समझना है. एक है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. इनका मतलब आपने ध्यान रखना है, क्या है इनका मीनिंग. देखो कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है दो बॉन्डेड एटम होंगे, पोलर का मतलब क्या होगा, जब दो एटम, व्हेन टू एटम हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब दो एटम की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे मैंने कहा एक Na है और एक Cl है, तो आपको पता है Na और Cl में से Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनके बीच में बॉन्ड है. कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं, H ले लेते हैं, HCl है, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. तो क्या होता है, द शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज. तो क्या हुआ, जब दो एटम एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, कैसे पता चला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, एक एच और दूसरा क्या है सीएल, तो सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और एच की कम है, तो इस बॉन्ड को सीएल अपनी तरफ ले लेगा, तो इस पे नेगेटिव और एच पे क्या आ गया, पॉजिटिव. तो इनके बीच में ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पार्शियल ब्रेक हो जाएगा, मतलब बॉन्ड कमजोर हो गया. क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, सीएल ने ले लिए. तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. पोलर का मतलब क्या हुआ, कि दे आर हैविंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब आते हैं बेटा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा. ऐसी अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं, नॉन पोलर क्या होगा, व्हेन टू सिमिलर एटम ज्वाइन विद ईच अदर, जैसे H2 हो गया, एक H दूसरे H से जुड़ रहा है, अब दोनों सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ना H खींचेगा ना दूसरा H खींचेगा, तो इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो आपने ध्यान रखना बेटा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स कि जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, कोई भी एग्जांपल, जैसे मैं लिखूं NaCl, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, MgO, Mg पे 2 पॉजिटिव आ गया, O पे 2 नेगेटिव आ गया, तो ये सारे पोलर बॉन्ड है. क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है. जबकि अगर मैं लिखूं N2, O2, Cl2, इन सब में दोनों के दोनों एटम सेम है, तो ये कौन से कंपाउंड हुए, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. क्लियर है,
उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा टॉपिक नेक्स्ट है पार्शियल आयनिक करेक्टर ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड में भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया तो अगर हम इस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना चाहें तो उस पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड भी आयनिक बॉन्ड होता है। तो क्या इन्होंने कहा है कि कोवलेंट बॉन्ड में आधा आयनिक करेक्टर होता है, तो वो कितना कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ कंबाइनिंग एटम, कि दो कंबाइनिंग एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक पॉलिंग और एक हेनी एंड स्मिथ, जिन्होंने अपनी इक्वेशंस दी थी, स्टैंडर्ड इक्वेशंस दी थी। उन्होंने कहा था कि जो कोई भी दो बॉन्डेड एटम है अगर आपने कैलकुलेट करना है कि उसमें कितने परसेंट आयनिक करेक्टर है या फिर कोवलेंट करेक्टर है कि दोनों है, इन इक्वेशंस की हेल्प से आप उनको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे पॉलिंग ने जो स्केल दिया था, जो इक्वेशन दी थी, वो क्या दी थी? 18 ब्रैकेट्स के अंदर जीटा ए माइनस जीटा बी इसकी पावर 1.4। जीटा ए और जीटा बी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम ए एंड बी, कि दो एटम, जैसे मैंने कहा लेट्स सपोज एक एटम ए है एक एटम बी है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है 1.5 है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास 3 है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे 1.5 माइनस 3, उसको सॉल्व करके जो भी आएगा उसका 1.5 का स्क्वायर करके जो भी आंसर आएगा, अगर वो आंसर 1.9 आ जाता है, अगर वो आंसर 1.9 आ जाता है दोनों में से किसी भी स्केल में पुट करके, सेम एपटैसी हैनी और स्मिथ का भी है। इसने अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन दी थी 16 जीटा ए माइनस जीटा बी प्लस 3.5 जीटा ए माइनस जीटा बी का स्केयर। तो आप इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट आपने इन इक्वेशन को रन करना है और एक कॉन्सेप्ट है आपने याद रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड भी आयनिक हो सकता है, जो ऑर्गेनिक में आगे हेल्पफुल होगा। इन इक्वेशंस की हेल्प से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वैल्यू पुट करके अगर आपके पास आंसर 1.9 आता है तो उसमें 50% आयनिक करेक्टर है और 50% क्या है बेटा? कोवलेंट करेक्टर। और अगर 1.9 से ज़्यादा आंसर आता है, अगर मोर देन 1.9 आता है, तो वो बॉन्ड पूरा कैसे कंसिडर होगा? आयनिक कंसिडर होगा। और अगर आपका आंसर लेस देन 1.9 आता है तो वो बॉन्ड कैसे कंसिडर होगा? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, पॉलिंग एंड हेनी ने दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस दी थी टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द टू बॉन्डेड एटम। तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हम ये बता सकते हैं कि वो बॉन्ड कोवलेंट है कि आयनिक है। अगर वो कोवलेंट है तो उसमें कितने परसेंट आयनिक करेक्टर है, अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कितने परसेंट कोवलेंट करेक्टर है। तो इन इक्वेशन की हेल्प से अगर उसको सॉल्व करके आंसर 1.9 आ जाता है, उसने एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी कि उसमें 50% आयनिक और 50% कोवलेंट होगा। अगर मोर देन 1.9 आता है तो आयनिक पूरा मानेंगे उसको, अगर लेस देन 1.9 आ जाता है तो उसको हम कोवलेंट मानेंगे। तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू या तो क्वेश्चन में दी होंगी या फिर आप पीरियोडिक टेबल में से या कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यूज होंगी जो उनको देख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी के साथ साथ बेटा आज का टॉपिक हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।